श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ना ही इस्कॉन के सपोर्टर हूँ, ना ही इस्कॉन की हेटर हूँ। और वैसे ही इस्कॉन की एक्सपोज की जो वीडियो बनाते हैं, मैं ना ही उनके हेटर हूँ ना ही उनके सपोर्टर हूँ। तो मैं यहाँ पर न्यूट्रली घर ही बात करूँगा कुछ। उससे पहले मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सनातन समीक्षा नाम के एक चैनल है, जहाँ पर अभी पिछले 2 दिन में जो है इस्कॉन को लेकर 2 लाइव सेशंस हुई है। और उनके वीडियोज़ देखकर उनके जो वो जो मतबात थी उनसे मैं मतलब 95% मैं उससे एग्री करता हूँ कि हम सबसे पहले ना सनातनी हैं। चाहे हमारा मतवाद अलग हो, चाहे हमारा संप्रदाय अलग हो, चाहे हम भक्ति मार्गी होकर भी या फिर कोई एक मार्गी होकर भी हमारे अलग अलग मतभेद हो, तो ये हो सकता है। हम जैसे मनुष्य हैं, हम आपस में हमारा मतभेद हो सकता है उस अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त करने के लिए, बट हम अल्टीमेटली सनातनी हैं। तो मैं ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो प्यार जगत में सभी से, कोई नहीं पराया है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियोस। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियोस जो होगा, लुई शोरिस नाम के एक भाई है जिन्होंने 2 वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट किया, और दो वीडियो में जो बात किया गया है, कुछ कुछ बातों से मुझे थोड़ी आपत्ति है और उस चीज़ को मैं लॉजिकली पेश करना चाहूँगा और लुई शोरिस भाई को मैं बताना चाहूँगा, रिप्लाई देना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि वो भी मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे, जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस रहेगा। सिर्फ वो नहीं, सारे इस्कॉन के प्रभु जी से ये मेरा रिप्लाई है और क्वेश्चन है सारे इस्कॉन के सीनियर डिवोटीज और जो इंटरमीडिएट है सभी से कि वो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे। तो आइए देखते हैं कि शोरिस भाई ने क्या कहा अपने वीडियो। तो ये है इस्कॉन भगवत गीता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का हाथ ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे। सो ये आशीर्वाद जैसा है तो ऐसे है, लेकिन ये वैसा नहीं है। इनका मत है, इनका ओपिनियन में ये ऐसा है कि ज्यूइश में एक उनका एक गॉड है जो ऐसे हाथ करता है, मतलब ऐसे हाथ करता है। और यहाँ पर इस्कॉन में, इस्कॉन का जो भगवत गीता है उसमें भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा हाथ करते हैं। तो इस्कॉन हिंदुइज्म को प्रमोट नहीं कर रहा, सनातन धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा, इस्कॉन ज्यूइश धर्म को प्रमोट कर रहा है। तो आपने जैसे देखा, ये जो है इस्कॉन की गीता है मेरे पास, ये मैंने पढ़ा है बहुत टाइम। तो यहाँ पर जैसे शोरिस भाई ने उस वीडियो में आगे बोला कि उन्होंने ये जो करना है इस्कॉन, मतलब यहाँ पर इस्कॉन की गीता में ये जो दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तो मैं वेरी न्यूट्रली अगर आप सोचते हो ना, तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ये चीज़ है, अगर ये करते, अगर ऐसे आशीर्वाद छीने देते, अगर इवन ये करते द्वैत बात, जैसे माधवाचार्य जी का हाथ ऐसे हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था, तो वो नॉर्मल था। बट आप पहली बार, इवन अभी तक कोई भी गीता में ऐसे कि कभी कृष्ण को नहीं दिखा गया, तो ये एक यूनिक चीज़ है और इसे आप नकार नहीं सकते। तो यूनिक चीज़ का मीनिंग क्या है, इसका ऑब्वियसली एक मीनिंग रहेगा। तो वो मीनिंग मैं सभी इस्कॉन के जो सीनियर है उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ऑब्वियसली इसका कोई मीनिंग रहेगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का जो ऑरिजिनल गीता, आपको पता होगा कि शिला प्रभुपाद जी को जी का जो ऑरिजिनल जो गीता है मैकलन ट्रेडिशन वाले, वो उनसे ये जो अभी जो नॉर्मल जो गीता भी आ रहे हैं, ये जो गीता है ये थोड़ी चेंजेस है। आप इंटरनेट पर सर्च कर ले शिला प्रभुपाद गीता 108 चेंजेस, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर छोटी मोटी बहुत सारे चेंजेस है, बट शिला प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे बुक्स को कोई चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बुक्स है स्वयं कृष्णा लिख रहे हैं, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। बट इस्कॉन के जो अभी के जो डिवोटीज है, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, सभी ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने जो है बाद में जो है उन्हें कॉन्फर्मेशन दिया था कि हाँ, छोटी मोटी जो ग्रामेटिकल अगर कुछ एरर्स वहाँ पर दिखा जाए तो वो चेंज आप कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि ग्रामेटिकल जो चेंजेस है उसके लिए यहाँ पर चेंजेस किया गया, बट फ्रंट पेज का क्या सीन है, मतलब फ्रंट पेज तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका संस्था है, मैं यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो थोप नहीं सकता आपके ऊपर, आपकी जो मर्जी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है। बट अगर आप ये देते हैं कि नहीं ये क्यों किया गया, तो अगर आप ये थ्योरी देते हैं कि नहीं ये तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है, तो मैं यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी का ऑरिजिनल जो गीता है उसके रिप्रिंट वर्जन बिना कोई एडिट के मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए। तो देखिए ये जो है ना, ये ज्यादा यूथ को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप अट्रैक्शन की बात कर रहे हो कि ज्यादा ये लोग लेंगे और पढ़ेंगे, तो ये गीता जो है इसके पेपर क्वालिटी इससे भी ज्यादा बेहतर है। और इसके कलर कॉम्प्लेक्शन अगर आप देखोगे, यहाँ पर ब्लूइश और बहुत अच्छे अच्छे कलर्स है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और वो गीता में ना, पहली जो अभी जो गीता मिल रही है इस्कॉन से, वहाँ पर कलर प्लेट जो पिक्चर्स होते हैं वो 12-13 है, और यहाँ पर 48 पिक्चर्स है, तो ये भी तो अट्रैक्ट करेगी। देखिए कितने सुंदर सुंदर पिक्चर्स, बहुत बहुत ही दिव्य है, देखिए कितने पिक्चर है ये देखिए। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो आप मुझे ऑब्वियसली, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर देंगे कि क्यों किया गया ऐसे चेंजेस। और एक चीज़, अगर किया गया, अगर वो नहीं दे पाते, और भी मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो चेंजेस किया है, ये चेंजेस किया कौन से प्रभु जी ने, या फिर कौन से टीम में, क्या वो इंडिया का था? अगर वो इंडिया का था तो उनका नाम क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। एज जस्ट जनरली कुछ क्वेश्चन है हमारे मन में, तो डाउट क्लियर करना इस्कॉन का दायित्व होना चाहिए अगर वो कुछ करती यूनिकनेस, क्योंकि ये जो चीज़ें यूनिक है ये साधारण चीज़ नहीं है। अगर हम कुछ यूनिक करते हैं तो हमें ऑब्वियसली उस चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते, देखते और क्या कहा गया वीडियो में। ना जाने कितने मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं, ना जाने कितने कमेंट्स पड़े हैं, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि इस्कॉन लॉर्ड शिवा को डिफेम करते हैं। अब मैं इसको क्या समझाऊँ, मुझे 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 नहीं लगता मैं इस बात को समझा सकता हूँ। सो आप अमरेंद्र प्रभु जी और अमोघ प्रभु जी, जो बहुत ही पॉपुलर है इस्कॉन को रिप्रेजेंट करने में यूट्यूब में, उनसे आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अचिंत्य हैं, उसी प्रकार से शिव जी भी बहुत अचिंत्य हमारे समय। प्रभुपाद ने कहा ही इज द टॉप मोस्ट वैष्णव, लॉर्ड शिवा इज द टॉप मोस्ट वैष्णव। किसने बोला उनको प्रणाम करेंगे, उनको हमें अवश्य प्रणाम करना चाहिए। अगर तुम चाहते हो भक्ति में जो अवरोध है अहंकार का, विशेष रूप से मित्र अहंकार का, उसके लिए शिव जी का आशीर्वाद तो बहुत अधिक आवश्यक है। किसने कहा तुमको हम शिव जी को प्रणाम करते, हमें शिव जी को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। इफ एनीवन क्रिटिसाइजेस लॉर्ड शिवा, एनीवन इग्नोर्स लॉर्ड शिवा, or thinks, oh, he's just another demigod,
then such a person is light years away from Sri Vrindavan Dham. Those who want Vraj Bhav, they worship Lord Shiva with the desire that by your blessings may I enter Sri Vrindavan Dham. अब आप ही बताइए, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो भगवान शिव को अपमान करेंगे, मतलब इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। तो जैसे आपने देखा सॉरीज भाई ने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को प्रेजेंट किया, और मैं यही चीज़ पहले एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सोचते हैं कि इस्कॉन के सभी प्रभु जी सभी डिवोटी शिव जी से द्वेष करते हैं, शिव जी को डिफेम करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल सही नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने खुद बहुत सारे ऐसे डिवोटी से, सच में इस्कॉन में ऐसे डिवोटी है जो सिर्फ राधा कृष्ण को लेकर ही उनका भजन में बिल्कुल मतलब ब्रिज के भक्तों के जैसे वो पड़े रहते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी वो कथा करते हैं, और वो कहते हैं कि कोई भी आपके बात से किसी को भी आहत ना पहुंचा, ऐसी चीज़ फॉलो करें, ऐसे ऐसे प्रभु जी से, ऐसे ऐसे माता जी से, आप मेरी बात का बिलीव कीजिए। और अगर जैसे सॉरीज भाई ने कहा, ऐसे अगर कोई कह दे कि इस्कॉन जो है शिव जी का प्रेज ही करता है, तो ये बात भी सारी इस्कॉन जो शिव जी का प्रेज करते हैं ये बात भी सही नहीं है। इस्कॉन जैसे इस्कॉन के जैसे आपने देखा, जैसे मैं अमरेंद्र प्रभु जी को पर्सनली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके लेक्चर्स मैंने सुना है और सुनता हूँ मैं अभी भी, ये मैं कह देना चाहता हूँ। तो जैसे आपने दो प्रभु जी इसका वीडियो दिखाया ना, मैं अगर चाहूँ एक्चुअली मैं यहाँ पर इस्कॉन को डिफेंड करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चंस का यहाँ पर रिप्लाई देना आया हूँ और आपसे क्वेश्चंस करने आया हूँ ताकि एक निष्कर्ष निकले, ताकि हमारे बीच में यूनिटी मतलब बनाए रख पाए हम, ठीक है। तो अगर आप जैसे दो प्रभु जी इसका स्टेटमेंट दे दिए, मैं ऐसे 20 प्रभु जी इसका स्टेटमेंट वहाँ पर आपको दे सकता हूँ जहाँ पर शिव जी को वो डिफेम करती है। और वो प्रभु जी इसको ऐसा नहीं है कि बस जस्ट इस्कॉन में दो दिन जाते हैं और लोग ने जैसे कहते हैं कि वो सारी इस्कॉन नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे प्रभु जी से जिसको इस्कॉन से उन्हें स्पिरिचुअल मेंटर घोषित किया गया है, जिनको ऐसे ऐसे प्रभु जी से जो व्यास पीठ में बैठते हैं, ऐसे ऐसे भी प्रभु जी से जो इनिशियल लेने के मतलब गुरु आश्रम में हो चुके हैं, मतलब वो दीक्षा लेंगे कुछ दिनों में, ऐसे ऐसे डिवोटी से जो नॉर्मल इस्कॉन जाते हैं, तो ऐसे ज्यादातर जो होते हैं इस्कॉन में वो इस चीज़ को लेकर द्वेष करते हैं। अब शिव जी को डिफेंड करना क्या है, ये चीज़ लोग सोचते हैं कि शिव जी को जस्ट गाली देना ही डिफेंड करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आमोक लीला प्रभु जी की जो आपने सीजन्स की जो कट करके जो वीडियोस हमने यहाँ पर दिया या डाउनलोड किया है, शायद अपने छोटा सा कट अब डाउनलोड किया, तो इसका अगर पूरा सीजन देखोगे शिवजी कौन है नाम के उनका सीजन है यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जैसे गौरिया वैष्णव में इस्कॉन में चेंजेस कर दिया गया है दो एक चीज़ जो दो नंबर की जो नाम अपराध है ना, कि शिवजी को मतलब कृष्ण से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए और शिवजी कृष्ण को समान भी नहीं समझना चाहिए, तो इस चीज़ का खंडन स्वयं अमोक लीला प्रभु जी उनके वीडियोज़ में कर रहे हैं कि ये चीज़ वास्तविक में, बाकी सबका तो समझ में आता है बट शिवजी को वास्तविक में उनका तत्व भिन्न है, उन्हें वास्तव में कृष्ण से अभिन्न समझना चाहिए, ये प्रभु ही है हमारे, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमोक लीला प्रभु जी वो अपने वीडियो में कह रहे हैं, वो भक्त भी है और भगवान भी है, जैसे गिरिराज गोवर्धन वो ये कह रहे हैं, जैसे गिरिराज गोवर्धन भक्त भी है, स्वयं कृष्ण है वो और भगवान भी है, स्वयं कृष्ण है और भक्त के रूप में भी वहाँ पर है, जैसे लक्ष्मण विष्णु तत्व है, भगवान है और भक्त भी है, राम जी के सेवा में ही लगे हुए और वो राम जी से अभिन्न है, तो ऐसे ही जैसे शिव जी है वो भक्त भी है और भगवान भी है, क्योंकि उस दिव्य रस को चखने के लिए उन्होंने भक्ति का रोल प्ले किया है, क्योंकि श्यामा श्याम की जो प्रेमा भक्ति है ना वो एक माने नाम है, सच में मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कृष्णा की वजह से नहीं, श्यामा श्याम की जो प्रेम भक्ति वो बहुत ही रसिक रसमय वो भाव है, वो किसी डिवोशन से किसी आइडल में नहीं है, वो भाव नहीं है भक्ति, छोटा बड़ा की बात यहाँ पर नहीं कर रहा मैं, यूनिकनेस की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर ये क्लिप्स जो मैंने बताया यहाँ पर मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, वो जो क्लिप्स है मैं एडिट किया हूँ वो छोटे क्लिप करके, जैसे हमने यहाँ पर डाउनलोड करके सेंड किया वीडियो में लगाया, वैसे ही मेरे पास भी क्लिप है, तो वो क्लिप आप जिस भी इस्कॉन में जाते हैं या फिर जिस भी प्रभु जी के साथ आपका संबंध है, आपका बात है, आपका कॉन्टैक्ट है, उन सारे प्रभु जी को मान लीजिए कि 100 प्रभु जी को आप दिखाइए, वहाँ पर ज्यादातर प्रभु जी के मुख का एक्सप्रेशन आप चेक कीजिएगा कि जब वो देखेंगे कि शिव जी और कृष्ण में एक तो वहाँ पर दिखाया जाएगा, अभिनेता दिखाया जाएगा कि वो दोनों एक ही है, तो उनका एक्सप्रेशन देखिएगा, आप खुद के एक्सप्रेशन देखिएगा, आपकी खुद की एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, तो इसी को जो शिव जी का डिफरेंस कहा जाता है, कैसे जिस शिव जी को अगर आप उन्हें भगवान में नहीं मानते, जिस शिव जी को कृष्ण ने भगवान का दर्जा दिया हुआ है, कई बार उनका प्रेज होता है महाभारत में, पद्मपुराण में, पद्मपुराण में ऐसे एक संदर्भ आती है जहाँ पर वो कहा जाता है कि आपकी पॉपुलरिटी मेरे से भी ज्यादा होगा, उसके पीछे कुछ रीजन था, तो ये जो है कृष्ण की वरदान या फिर उनके एक की वजह से वहाँ पर कहा जाता है। तो मैं जैसे ये पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने भगवान भी नहीं मानते, चलो ठीक है वो चीज़ अलग है, अगर आप उन्हें एक देवता मानते हो तो भी वो परम वैष्णव है, भगवत में लिखा हुआ है परम वैष्णव 12 महाजनों में से आते हैं, तो उनको यही जो चीज़ है उनको अगर कोई छोटा कर दे तो ये स्वयं कृष्ण का अपमान है, क्योंकि कृष्णा और 33 करोड़ देवी देवता उनसे क्रोधित हो जाएगा, उनका डिवोशन कभी पॉसिबल नहीं है, चाहे उनके ऊपर गुरु कृपा हो चाहे कितनी भी कृपा हो, स्वयं आदि गुरु जो स्वयं भगवान जो शिव जी है जो कृष्ण से अभिन्न है, उनका अगर कोई अपमान कर दे कभी ऐसा नहीं होगा। बट यहाँ पर मैं वहाँ पर क्लिप्स जो है नहीं बता रहा, और इसको उनकी गीता में बहुत सारी जगह पर डेमी गॉड्स दिया गया है, तो देखिए सनातन धर्म में डेमी गॉड्स की कोई थ्योरी नहीं है, डेमी गॉड्स एक्चुअली किन्हें कहते हैं पता है, जो स्वर्गीय जो देव देवी है, फिर स्वर्गीय जो मेन जो देव देवी जैसे वरुण देवी इंद्रदेव उनके अंडर भी बहुत सारे जो देव देवी रहते हैं उनको डेमी गॉड या फिर सेलेस्टियल गॉड कहा जाता है। शिव जी तो स्वर्गीय देव देवी नहीं, उनसे कई ऊपर है, कृष्ण की अभिन्न है, और शास्त्र में यह भी आता है कि कृष्ण के बाया भाग से उनका प्राकट्य होता है, तो वो उनमें और कृष्ण में या फिर उनमें और विष्णु में या फिर उनमें और राम में कोई भेद नहीं है। तो ये भी इसको जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप स्वयं जानते हैं कि इसको गीता वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पर डेमी गॉड, अगर इंग्लिश गीता पढ़ते हो तो वहाँ पर डेमी गॉड बताया गया जो बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ दिखाता हूँ, आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, आइए यहाँ पर देख लेते हैं, आप देख ले भगवत गीता इस्कॉन की गीता सेकंड चैप्टर 62 नंबर श्लोक, यहाँ पर बंगाली गीता है तो 62 और 63 नंबर श्लोक में इसका कमेंट्री आप चेक कीजिए, बाकी जो हिंदी से या फिर इंग्लिश से गीता से जो चेक करें वो 62 नंबर श्लोक की कमेंट्री चेक करें, यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस कर दिया गया, तो अब कमेंट्री में आपको ये चीज़ मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डिफेंड किया गया है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर सभी देखिएगा, जो भी शिव भक्त जो भी कोई भी भक्त कोई द्वेष मत फैलाएगा, मैं जस्ट यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जड़ जगत की सभी इंद्रिय ग्राह वस्तु के द्वारा प्रभावित होता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी इसके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, स्वर्ग लोक की अन्य अन्य देव देवियों को तो कोई बात ही नहीं है। तो शिव जी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जड़ जगत की इंद्रिय के आकर्षण में पड़ जाती है, वो इंद्रिय में मतलब फंस जाती है, तो बिल्कुल सही नहीं है, ये सभी जानते हैं कि शिव जी जो है वो कृष्ण से अभिन्न है, वो कभी भी माया में नहीं पड़ सकते ना, और जड़ माया की तो बात ही अलग है। हाँ ऐसे श्लोक्स आते हैं
जहाँ पर योग माया के प्रभाव में कृष्णा जैसे बताया जाता है ऐसे ऐसे श्लोक से जहाँ पर बताया जाता है कि कृष्णा ने जो उनको मतलब माया में ऐसा किया, तो वो एक लीला है। जैसे बलराम जी जो स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, जैसे लक्ष्मण जी स्वयं राम जी से अभिन्न है, बट उनके सेवा के लिए वो रस, वो भक्ति के वो परम रस चखने के लिए उन्होंने जो है अपने आप को विस्तार किए है, खुद से ही विस्तार किए है और एज ए डिवोटी वहाँ पर प्रेरण किया। वैसे ही शिव जी जो है उस कृष्णा के उस मनमोहन की लीला को, श्यामा श्याम की भक्ति के रस को चखने के लिए कभी कभी ऐसा जो है लीला हो जाती है। बट यहाँ पर जड़ माया की बात किया जा रहा है, जड़ जगत की सभी इंद्र ग्रह वस्तु के द्वारा शिव जी आकर्षित हो जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप किसी भी शास्त्र से मुझे प्रूव कर सकते हो, अगर किसी शास्त्र में ऐसी बात लिखा हुआ है तो वो शास्त्र में जो है वो गलत चीज़ें घुसाई गई है मुगलों या फिर ब्रिटिशों के द्वारा, इट इज़ कन्फर्म है। शिवजी और कृष्ण साबिन ने तो उनके द्वारा ये कभी हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर उस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है इस चीज़ को, मुझे मतलब जो स्वयं पार्वती मैया जो योगमाया सुभद्र मैया के रूप में गोलोक में विस्तार करते हैं, वही योगमाया जो है पार्वती मैया के रूप में देवी धाम में या फिर सदाशिव जी के लोक में वास करते हैं, उनके बारे में ऐसे बात करते हुए जो जिनको मैं राधा रानी का विस्तार समझता हूँ, राधा रानी का ये अभिन्न रूप समझता हूँ, उनके बारे में ऐसे बात करने के मतलब मेरी होठ कांप रही है कि मैं कैसे कह दूँ, बट फिर भी ये चीज़ को सामने लाना चाहिए। देखिए एक समय, अब एक चीज़ मैंने कैसे जाना वो मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगा। एक समय महादेव जी गंभीर ध्यान में मग्न थे, पार्वती मैया उनके साथ कामार्थ होकर उनके संग कामना कर रहे थे, तब उनके ध्यान भंग हो गया और पार्वती मैया के साथ, मैया मतलब मैं कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें मैं मैया ही समझता हूँ, तो मैया के बिना उन्हें मुझे मतलब ऐसे कोई चीज़ में उनको कोई छोटे दृष्टि से मैं नहीं देखता, तो पार्वती मैया के साथ वो मिलित हो गए, उसके फलस्वरूप कार्तिक का जन्म हुआ। तो यहाँ पर शिव जी का डिफेंड किया जा रहा है, कैसे शिव जी जो है जड़ जगत की माया में फंसते, ये चीज़ जो है पूरा रिफ्यूट अगर चाह जाए तो कर दिया जा सकता है या पुराण में चेक कर सकते हो। और जो पार्वती मैया के साथ जो मिलित की बात करें ना, तो पार्वती मैया शिव जी जो है वो माया से परे है, त्रिगुणातीत है, वो माया से परे है, वो इस रजोगुण की रजोगुण से उत्पत्ति हुई है, जो कामना होती है उनसे कई अधिक ऊपर है, कामना भी उनका दासी है, वो उस चीज़ को कंट्रोल करती है कि किसमें कैसे जो कामना मतलब उत्पन्न करे, ये चीज़ मैं मतलब बताने में सक्षम नहीं हूँ, वो उन सबसे परे है, वो स्वयं आदिशक्ति है। और कार्तिक जी का जन्म महाभारत में मैं कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको पूरा जो स्क्रीनशॉट भी स्क्रीनशॉट नहीं मतलब पिक्चर तोल कैसे दे दूंगा, सारी सुन के प्रभु जी और लोइस भाई को भी मैं कह रहा हूँ। तो कार्तिक जी का जन्म होता है वहाँ पर, ऐसे एक संदर्भ आते हैं जहाँ पर अग्निदेव में कुछ विकार आ जाती है और उसकी वजह से जो है एक माता जी होती है, एक देवी या फिर एक ऐसे टाइप्स को होती है, जो सप्त ऋषियों के अलग अलग जो सप्त ऋषियों के जो सात पत्नियाँ थी, उनके हर एक की जो पत्नियाँ थी, उन हर एक की पत्नी के साथ मिलित होकर उनके रूप धारण करके अग्निदेव के साथ मिलित होकर ऐसे एक दिव्य रूप में उनका प्राकट्य होता है और छः मुख वाले वहाँ पर कार्तिक या फिर स्कंद की जन्म होती है। और स्कंद पुराण में भी ऐसे एक संदर्भ आती है जहाँ पर बताया जाता है कि महादेव की क्रोध अग्नि या फिर उनके अग्नि से दिव्य अग्नि से उनका प्राकट्य होती है, ऐसे नहीं कामार्थ होकर नहीं, ये क्या चीज़ आप बता दिए हो। तो ये शिवजी का डिफेम है, इससे कितना क्रोधित कृष्णा हो जाएंगे आपको पता नहीं। और कृष्णा मत सोचिए कि कृष्णा ऐसे लीला करते हैं तो उनका क्रोध नहीं हो, वो अगर क्रोधित हो गए तो मैं क्या ही कहूँ, तो उनके प्रिय भक्त, उनके प्रिय उनसे अभिन्न महादेव, उनका अगर अपमान किया जा रहा है, उनके बहन पार्वती मैया का अगर अपमान किया जा रहा है, क्या होगा आप सभी का, तो पता लग रहा होगा कि यहाँ पर डिफेम किया जा रहा है शिवजी को। तो आप स्वयं ही सक्षम है इस चीज़ को समझने में, आप देखिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि इस्कॉन का जो गीता है वो अलग है, उसका ट्रांसलेशन गलत है, वो उन्होंने कैसे लिख दिया, इतने सारे तो गीता है फिर वो गीता क्यों प्रचार करने का ज़रूरत है। दो मिनट रुकिए, अब इन लोगों का एक मतलब पता नहीं कि एक ट्रेंड चल रहा है कि एक गीता को ये अच्छा बताते हैं, एक गीता को मतलब ऑब्वियसली इस्कॉन की गीता को ये बुरा बताते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर तो गलत ट्रांसलेशन है, यहाँ पर तो गलत है, वो है नहीं है। मैं आपको आप दिखाना चाहता हूँ कुछ, ठीक है ना, आपके बाद अभी बाद में सुनता हूँ, अभी पहले आपने जो बोला उस चीज़ में करेक्शन करता हूँ। जैसे हमने बोला कि वो जो लोग हैं जो इस्कॉन को एक्सपोज करते हैं वो बोलते हैं कि ये इस्कॉन की गीता बस यही गीता है, ऑब्वियसली इस्कॉन की गीता, आप बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली इस्कॉन की गीता ये गीता गलत है, बाकी सारी गीता जो अच्छे, ये गीता अच्छा, वो गीता अच्छा, इस्कॉन की गीता गलत, मतलब ये भी कोई लॉजिक है ये आप कह रहे हो। ठीक है, मैं यही चीज़ सेम बताता हूँ कि यही चीज़ सेम इस्कॉन में भी होता है, इस्कॉन ने इसका शुरुआत इस्कॉन से हुआ, लोग ऐसे इन्वेस्ट नहीं बन जाते, हमें अपना गलती को जो है सुधारना चाहिए। ऑब्वियसली हम अपना गुरु का जो है शुक्रगुजार होंगे, जो भी जिस संप्रदाय से वो गुरु के प्रति समर्पित रहेगा, बट वैसे नहीं इन्वेस्ट होकर नहीं। आपको मुझे पता नहीं आपने कितना इस्कॉन के साथ जुड़ा होगा या फिर नहीं, मेरे पर्सनली बहुत ज्यादा कनेक्शन से इस्कॉन के साथ, और मैं पर्सनली उनके कुछ पर्सनल सेवा में भी जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे अमोला प्रभु जी ने भी कॉल किया था एक टाइम, उनके एक सेवा में मैंने फर्स्ट जो एक सीजन सुन का चल रहा था वहाँ पर मैंने टॉप 10 में मतलब था, तो उसने इसलिए उन्होंने जो कॉल किया, तो अभी भी मेरे साथ उनका कनेक्शन है, तो मुझे पता है इस चीज़ के बारे में बहुत डीपली। अगर आप ये कह रहे हो तो एक तो हो सकता है कि आपको पता नहीं, अदरवाइज आप न्यूट्रली बात नहीं कर रहे। इस्कॉन में आप किसी भी टेंपल में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, वहाँ पर अगर आपको बुक देने आए वो इस्कॉन की गीता, तो वहाँ पर वो आपको कहेंगे, अगर आप कह दिए कि मेरे पास गीता प्रेस की गीता है या फिर और किसी की गीता है या फिर इवन गौरिया वैष्णव की भी और किसी ये की गीता है, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं भैया आपको नहीं प्रभु जी, वो तो आपको प्रभु जी कहेंगे कि नहीं प्रभु जी आपको ये जो है ये गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता एज इट इज है, पर एज इट इज लिखा गया भगवत गीता का। ठीक है, और अगर आप डीपली उनके साथ कनेक्टेड हो तो, जैसे आप उनके साथ उनके भक्तों के साथ संग करने लग गए, तो आपको कहेंगे कि आपको श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने चाहिए और कोई बुक्स नहीं, आप जैसे इस्कॉन में तो आपको श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने चाहिए। तो भैया मैं आपको कह दूं कि गौरिया वैष्णव में इस्कॉन को छोड़कर इवन गौरिया वैष्णव में और बॉनिफाइड चार संप्रदाय में भी ऐसा कोई रूल्स नहीं है, वहाँ पर कोई भी संप्रदाय में ऐसा रूल्स नहीं है कि वहाँ पर आप उन्हीं के गुरुस की या फिर उन्हीं के आचार्य का बुक्स पढ़ो, ऐसा नहीं है।
ऐसा कहीं पर भी रूल्स नहीं है। तो हमें इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा ना, हमारा फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है, बट अगर कोई कह दे कि यही गीता गलत है, बाकी सारे गीता गलत है, सारे गीता में डिटेल्स में नहीं लिखा है, तो वो तो जो लोग जो अलग मान्यता वाले हैं वो तो गुस्सा हो ही जाएंगे या फिर उन्हें तो बुरा लगेगा ना, और बुरे से ही जो है क्रोध का धीरे धीरे वो अपनापन ही महसूस करते हैं, इसलिए वो क्रोध जताते हैं आपके ऊपर। चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। आप प्रोजेक्ट के साथ बात करें या फिर जो भी सीनियर प्रोजेक्ट मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो इसको फिक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि आप चीज़ नकार नहीं सकते। जो भी वीडियोस इस कौन से जो भी ये देख रहे हैं उनको पता है कि ये चीज़ हैपनिंग है। मैं बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मुझे बहुत ही पता है इस चीज़ के बारे में, और मेरी न्यूट्रल में बात कर रहा हूँ, मैं किसी दोष नहीं दे रहा, पर मैं वही सेम चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे एलिगेशन दिया कि वो लोग ये बताते हैं, तो ये सेम चीज़ का शुरुआत इस कौन से और इस कौन इस चीज़ को कंटिन्यू लग रहा है। आगे चलते हैं, आपकी बात मैं सुनता हूँ, आपने क्या बोला देखते हैं। आगे आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। मेरे पास ये भगवद्गीता है, ओके, मेरे पास ये भी एक और भगवद्गीता है, मेरे पास ये भी एक और भगवद्गीता है, मेरे पास ये भी एक और भगवद्गीता है, मेरे पास ये भी और भगवद्गीता है, मेरे पास ये भी और एक भगवद्गीता है, इसके अलावा भी दो और भगवद्गीता है, उसको मैं लेकर नहीं आया। सो आप अभी मुझे बताइए कि मैं इन सब में से किसको मैं होल्ड करके किसको बुरा बताऊँ, मैं किसके रेस्पेक्टिव में किसको बुरा बताऊँ, किसके रेस्पेक्टिव में किसको अच्छा बताऊँ, मतलब ये तो पता नहीं। अब हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ देखो, ये भगवद्गीता भक्ति फिलोसॉफी में लिखी हुई है, ये भगवद्गीता अद्वैत फिलोसॉफी में लिखा हुआ है, दोनों फिलोसॉफी अलग है। अब मैं भक्ति फिलोसॉफी को बहुत अच्छा बता दूँ, अद्वैत फिलोसॉफी को बुरा भला कह दूँ, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी भैया, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक फिलोसॉफी को अच्छा बता दूँ या फिर एक फिलोसॉफी को बुरा बता दूँ, ये बिल्कुल नहीं होता। इस चीज़ को मैं 100% मान्यता देता हूँ। मेरा फिलोसॉफी चाहे किसी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग हो, मैं हर एक फिलोसॉफी को सम्मान करता हूँ। मैं जितनी सम्मान अद्वैतवाद को करता हूँ, उतनी सम्मान द्वैतवाद को भी करता हूँ, उतनी सम्मान अचिंत्य भेदभेद को ही करता हूँ, और उतनी सम्मान अदर जो थ्री जो फिलोसॉफी से उनको करता हूँ, उनके आने वाले महापुरुषों को जो भी वहाँ पर जाकर जो ज्ञान दिया है। मैं समझता हूँ कोई ना कोई पर्पस होगा, और वो जो है अलग अलग मार्ग जो है अलग अलग पर्पस उनका बताते हैं, कोई बताते कि ये करने के लिए आया था, कोई बताने के लिए नहीं अच्छा के लिए आया था, तो वो सारी अलग चीज़ है, बट मेरा सम्मान जो सभी के प्रति सेम है। तो यही जो चीज़ है ना, ये उनको भी समझना पड़ेगा, उसके साथ साथ इस्कॉन को भी समझना पड़ेगा जिनसे शुद्धपात हुआ है। इस्कॉन जो है वो यही जो मैंने पिछले अभी बताया कि यही करता है इस्कॉन, कि यही गीता जो ऑरिजिनल है, ये गीता सारे उतना अच्छा नहीं है। तो विशिष्ट अद्वैत के जो रामानुजा भाष्य होती है वो भी भाष्य है, वल्लभाचार्य जी के भी भाष्य आती है, और भी महान महान आचार्य गौरियस में भी अलग अलग आचार्य का भाष्य आते हैं, जैसे मुख्य आचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भाष्य आता है, श्रीदास स्वामीपाद जी का रुद्र संप्रदाय से भाष्य आती है। तो हमें सब कुछ का मान्यता देना है ना, एक तो सही नहीं हुआ। और मैं एक चीज़ आपका कट करना चाहूँगा कि जैसा आपने बोला भगवदगीता की गीता प्रेस की गीता लेकर गीता प्रबोधनी शायद वो था, तो भगवदगीता की जो गीता प्रेस की जो गीता है वो है अद्वैत फिलोसॉफी को लेकर, और इस्कॉन की जो गीता है वो है भक्ति फिलोसॉफी को लेकर। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, तो भक्ति और अद्वैत, आप द्वैत अचिंत मेहता और अद्वैत को, भक्ति और अद्वैत मत को, क्योंकि मैं इस चीज़ को कट देता हूँ। मुझे ये पर्सनली मेरा मानना है कि हर एक जगह से भक्त बहुत बड़े बड़े भक्त निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली कोई सीमा नहीं है कि इसी क्षेत्र से जो भक्त होंगे और बाकी क्षेत्र में भक्त नहीं होंगे, बट ब्रिज की जो भक्त है ना वो रसमयी भक्त है, वो किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करते, वो पॉलिटिक्स में नहीं रहते, वो बिल्कुल शुद्ध भक्ति की बात करते, वो ऑलवेज शाम शाम के चिंतन में खोए रहते हैं, इसको रसिक भक्ति कहते हैं। चाहे कोई गोपी भाव में, कोई सहचरी भाव में हो, कोई मंजरी भाव में, कोई साख्य को है, कोई बासर भाव में, जिनके जैसे भाव है उस भाव में वो जुड़ी रहती है, और ब्रिज की हर एक संप्रदाय गीता प्रेस की गीता को समर्थ करती है, समर्थन करती है, और उनको ऐसे ऐसे जो है वो गीता प्रेस की वो प्रमोट करते हैं, मतलब बिजनेस कैटेगरी से नहीं कि बिजनेस करे ऐसी भावना से नहीं बोलते। और ब्रिज की जो भक्त है ना, अधिकतर जो ब्रिज की जो लोकल जो है वो गीता प्रेस की गीता पढ़कर ही उनके अंदर भक्ति आई है। और मैं जब इसके साथ मेरा जब ज्वाइन था, तब उन्होंने मुझे कहा था कि गीता प्रेस की गीता मत खरीदो, मैंने कहा था कि नहीं मैं खरीदूंगा, मुझे साधक संजीवनी वाली भी खरीदना है और मुझे तत्व विचार टीका भी खरीदना है, तो मैंने दोनों ही खरीदा। और उनके पहले मुझे कहा कि नहीं तुम्हारा भक्ति जो बिगाड़ जाएगा, ये जो है अद्वैत है, बाकी ये है वो है सारे है। तो देखिए, अगर किसी का मार्क सही है, अगर किसी का लोभ नहीं है कि मैं कृष्ण भक्ति इसलिए कर रहा हूँ, कृष्ण भक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, कुछ पाले के लिए कर रहा हूँ, तो वो दुनिया में कोई भी गीता पढ़े उन्हें कभी भी हानि नहीं हो सकती। मतलब ये हानि की बात ही नहीं है, वो कभी भटक ही नहीं सकते भक्ति मार्ग से, चाहे कोई भी किताब है। अगर वो अपने मार्ग के बारे में क्लियर है कि मैं इसी मार्ग में जाऊंगा, मेरी कोई स्वार्थ नहीं है, चाहे वो स्पिरिचुअल स्वार्थ भी नहीं है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है, प्राप्ति करनी नहीं, मैं सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए, उनको जानने के लिए, क्योंकि वो मेरे पिता है, वो मेरे पिता है, वो मेरे अपने हैं, मैं उनका हूँ, ये भाव से अगर कोई पड़ेगा तो उसमें कोई चीज़ नहीं है। और भक्ति और अद्वैत में ये जो भेद दृष्टि कर रहे हो, ये अभी तक कोई भी आचार्य ने नहीं किया, या इसको ने भी नहीं किया। आप कहो कि अचिंत्य मेहता की गोविंद भाष्य की टीका जो वहाँ पर बताई गई उसके ऊपर गीता लिखा गया है, ना ही भक्ति के ऊपर, ऐसा नहीं कि बाकी अद्वैत के लिए यहाँ पर बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर किसी चीज़ को समर्थन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर न्यूट्रल आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने आया हूँ, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अद्वैत जो है जयदेव गोयनका का जी और क्या कहते हैं उन्हें स्वामी रामसुखदास जी, उनके अगर कुछ कमेंट्स में है जहाँ पर वो निराकार ब्रह्म को बता देता है कि ईश्वर के अंतर्गत, वो बता देता है, अगर आप उनको अद्वैत कह रहे हो, अद्वैत के अकॉर्डिंग तो वो निराकार को मानते हैं, तो वो कह देता अपने कमेंट्री के अंदर कि वो जो है भक्ति जो है वो मुक्ति से सता अधिक श्रेष्ठ है, और भजन में द्वैत अद्वैत से सता अधिक श्रेष्ठ है, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। तो ये बात आप मत करिए, और अगर कोई भी करता है तो ये बात इलॉजिकल है कि ये फिलोसफी भक्ति पर है, वो फिलोसफी अद्वैत पर है, ये कैसे बात हो। गीता पर इसकी फिलोसफी अद्वैत में कहा है, अद्वैत में हाँ कुछ जगह पर, जैसे वो एक अद्वैतवादी है तो अद्वैत में कुछ जगह पर थोड़ी बहुत, वो चीज़ आपको कुछ भी नहीं करेगी, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने गीता पर इसकी गीता पढ़ा हुआ है, और बहुत उन्हें पता है ब्रिज की, मैं कौन हूँ, मैं तो कोई नहीं हूँ। ब्रिज की जो महान महान भक्त है, जो सिर्फ शामा शाम की, जिन्हें ब्रह्म के ज्ञान नहीं, जिन्हें कृष्ण जो जिन्हें अदर देव देवी की ज्ञान नहीं, भगवान के अलग रूपों की ज्ञान नहीं, जो सिर्फ शामा शाम के चिंतन में रहते हैं, ऐसे लोग जो भक्ति के लिए उन्होंने पहले जो एकमात्र गीता पढ़ी है वो है गीता प्रेस की गीता। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी गीता मत पढ़ो, ये चीज़ दिखाने के लिए मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि वो अद्वैत फिलोसफी में है और यही सिर्फ भक्ति फिलोसफी में है और कोई भक्ति फिलोसफी नहीं है। आप कहोगे अचिंत्य मेहता बैठे भक्ति और अद्वैत में ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप कहोगे कि दूसरे दिन अगर आप कहोगे कि रामानुजा का भाष्य लिखा कर कि विशिष्ट अद्वैत, ये विशिष्ट अद्वैत पर है और ये भक्ति पर है, तो क्या विशिष्ट अद्वैत में भक्ति नहीं है? बिल्कुल है, रामानुजा बिल्कुल, रामानुजा संप्रदाय बिल्कुल भक्ति है, रामानुजा जो राम के डिवोटीज होते हैं वो वहाँ पर ज्वाइन होते हैं, बिल्कुल भक्ति है, राम जी के बहुत अच्छे अच्छे भक्त, पापा मैंने मिला हुआ उनके साथ, तो बिल्कुल तो
इमेच्योर वाली बात है, आप वेरी न्यूट्रल होकर इस चीज़ को समझाने की कोशिश करें, मुझे रिप्लाई की आशा रहेगी। और इसको ये चीज़ को ना करें तो सभी, मुझे आशा करता हूँ कि सभी जो है वो सुधार जाएंगे धीरे धीरे। पहले जो है इसको को इस, क्योंकि वो एक बिगर संस्था है, उनके बाद सभी सुनता है, तो उनको अगर कोई आइडियल करके देख रहे हैं तो उन्हें भी ऐसे अपने वाणियों का ध्यान रखना चाहिए, उनके वाणी से किसी को आहत ना पहुंचे, वो किसी को क्रिटिसाइज ना करें। तो आइए आगे देखते हैं कि आगे हमारे जो भाई है उन्होंने क्या कहा है। कई टीकाकार प्रभुपाद जी की निंदा करते हैं, आपके स्वामी महाराज, आपके प्रभुपाद जी तो बस जहां ना हो वहां भी भक्ति लगा देते हैं। गीता में भगवान बात कर रहे हैं कर्मयोग की, ज्ञान योग की, आपके प्रभुपाद जी कहते हैं यस ज्ञान मींस डिवोशनल सर्विस। कई लोग तो कहते हैं आपके स्वामी महाराज ने ठीक से अनुवाद किया नहीं, भाषांतर किया नहीं। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, इसका भी उत्तर है हमारे पास, अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं इस्कॉन वाले। क्यों प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होता है वो कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्त के अतिरिक्त कुछ देख नहीं पाता। तो जैसे आपने देखा कि सौरीश भाई ने एक क्लिप ऐड किया जो अमरेंद्र प्रभु जी के क्लिप है, तो ये सीजन मैंने पहले देख चुका हूँ। बट जैसे हम भक्ति जो करते हैं उनको, मतलब किसी को भी मतलब ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि किसी के बात से भी अगर हम एग्री नहीं करते तो भी हम उस चीज़ पे ये कर सकते हैं। बाकी एग्री नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अमरेंद्र प्रभु जी ऐसे प्रभु जी जो इस्कॉन में मुझे सभी जो स्पिरिचुअल मेंटर है उसमें से सबसे मेरे फेवरेट है वो है अमरेंद्र प्रभु जी। इवन जो इस्कॉन से ऐसे बहुत से संस्था है बीच के या फिर भक्तों में जो इस्कॉन का सपोर्ट नहीं करते, बट फिर भी वो अमरेंद्र प्रभु जी का क्लिप्स लगाते हैं, उनके सपोर्ट करता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति की बात करते हैं। तो चाहे कोई भी संप्रदाय से, कोई भी संस्था से हो, जो कृष्ण प्रेम की बात करें, जो शुद्ध भक्ति की बात करें, जो ब्रिज की बात करें, मैं उनके बात तो ऑब्वियसली सुनूंगा। और अमरेंद्र प्रभु जी से मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ और आगे भी सीखूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो मुझसे कई अधिक श्रेष्ठ डिवोटी है। और उनके गुरु निष्ठा को भी मैं प्रणाम करता हूँ, गुरु समर्पण को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे क्वेश्चन करता हूँ, जैसे यहाँ पर जैसे बताया कि हाँ इस्कॉन की गीता में, मतलब जैसे लोग बताया और वो ये प्रभु जी ने बताया कि कर्म में भी भक्ति, ज्ञान में भी भक्ति, बुद्धि में भी भक्ति, अरे यार सब जगह भक्ति कर दी है। तो देखिए, भक्ति से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो रियलिस्ट पर्सन हो, चाहे वो किसी भी मार्ग से हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग की रियलिस्ट पर्सन हो, चाहे वो कोई अच्छे भक्त हो, चाहे वो रसिक हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें कभी भी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ जो कंसिडर करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस सारी चीज़ से। और उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ जैसे आपने बताया यहाँ पर कि शुद्ध वैष्णव, बट एक यहाँ पर जैसे सेकंड पॉइंट यहाँ पर बताया गया उसके ऊपर आप डाउट चलाता है थोड़ी, तो डाउट अगर किसी के मन में है तो आपको क्लियर करना चाहिए सभी को, सभी इस्कॉन के प्रभु जी से मैं कह रहा हूँ और सोरीज भाई से भी। और एक्चुअली ये मेरा सवाल नहीं है, लाखों हज़ारों जो इस्कॉन के जो विरोधी है, फिर इस्कॉन की गीता को जो खास पसंद नहीं करते उनके भी मन में क्वेश्चन है। सभी एनबीएस की मैं बात नहीं कर रहा, सभी एनबीएस ऐसा नहीं है, कोई कोई जो है सच में जाना चाहता है। तो उसी के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो दिया गया कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वो बता रहे कि एक सच्चे वैष्णव के जो होते हैं उनके लक्षण होते हैं कि वो कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्त के अतिरिक्त कुछ और देख ही नहीं पाता। तो मैं उनको नमन करता हूँ, और ऑब्वियसली ये सच बात है कि कृष्णा के एक भक्त जो है वो कृष्ण भक्ति, कृष्णा या फिर कृष्णा भक्त के अलावा कुछ देख नहीं पाता। वैसे ही जो राम जी के जो भक्त है, फिर विष्णु के जो अदर रूपों के जो भक्त है, वो विष्णु या फिर राम जी के अलावा या फिर उनके जो भक्त या फिर उनके भक्ति के अलावा कुछ देख नहीं पाता। ये 100% चीज़ है, ये कोई सेक्टेरियन मतवाद नहीं है, सच में ये चीज़ है। और मुझे भी आप अगर बिलीव करोगे तो उनके ही कृपा से मुझे जो होता है ना, मुझे कृष्ण के अलावा मुझे कुछ चीज़ जो है वो सुनना पसंद नहीं होता। अब पहले क्या होता था, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, आप प्लीज़ सुनिए, हो सकता है कि थोड़ी लॉन्ग हो जाए वीडियो, बट आप सुनिए। एक्चुअली पहले मैं क्या होता था, जब मैं इसके साथ पूरी तरह कनेक्टेड था, मैं उनका गीता पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि उनके प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा है ना अदर जो संप्रदाय उनके अकॉर्डिंग, तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। और वो पहले चार संप्रदाय की बात भी ज़्यादा नहीं किया जाता था, तो मुझे लगता था कि इस्कॉन एकमात्र संस्था है जो इतनी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो एकमात्र वही है जो ऑथेंटिक है। तो उनके साथ मैंने जुड़ गया और मैं भी जैसे शिवजी के बारे में, मतलब वहाँ पर जैसे कोई अगर बोलता था मुझे आकर कि शिवजी सुप्रीम है, शिवजी भी है, और कोई अगर आके कहता था कि नहीं शिवजी और कृष्ण सेम है, कोई अगर कहता था कि नहीं शिवजी सुप्रीम है, तो वहाँ पर मेरे मन में थोड़ी बहुत जेलस होती थी। मैं शिवजी को छोटा या फिर गाली नहीं देता था या फिर उनके लिए कुछ ये नहीं था, बट उनके सुप्रीम पोजिशन को लेकर कोई उन्हें बता रहे तो उस चीज़ से मुझे थोड़ा दिक्कत था, और उनको मैं समझने की कोशिश करता था जो भी कोडिंग्स वहाँ पर दिया जाता था इस्कॉन की थ्योरी के ये से, और जो भी कोडिंग्स मुझे थोड़ी बहुत पता था जो वायरल्स थोड़ी कोडिंग्स है तो वो मैं बताता था, और लोगों को बहुत सारे लोगों को ज़्यादा पता नहीं थी, तो वो भी मतलब उनके मन में भी थोड़ी दिक्कत आती थी कि ये कैसा, मैं तो शिवजी का भक्त हूँ, कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर भी मैंने बोला तो ये तो मैंने देखा था स्क्रिप्चर्स प्रूफ। तो ये सारे करते करते 6 महीने बीत गए। अब मैं हमारे बंगाल में एक महादेव जी का एक फेमस टेंपल है जिनका नाम है तारकेश्वर टेंपल, तारकनाथ जी का टेंपल, उनका वो एरिया है तारकेश्वर, कोलकाता से थोड़ी आगे है, और वहाँ पर एक टाइम मैंने गया और शिव जी का दर्शन करने में जा रहा था, तो मुझे शिव जी का दर्शन वहाँ पर आप मतलब थोड़ी ब्लडी टाइप हुई, मतलब ब्लडी मतलब क्या, मतलब उनके जैसे लिंग वहाँ पर प्रकट थी, तो वहाँ पर थोड़ी मतलब एक जैसे ग्रिल लोहे के जो ऐसे सीख वाले जो दरवाजा होते हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे डंडे होते हैं मिडिल में, तो उससे मुझे क्या हो रहा था कि वहाँ पर मुझे उनके जो प्रॉपर जो शिवलिंग पूरी तरीके से नहीं दिखा, मतलब बीच में एक डंडी आ जा रही थी। तो एक चीज़ मैं मतलब वहाँ से चली गई, तो सबने मुझे पूछा कि दर्शन हुआ, तो मैं कहा कि हाँ दर्शन हुआ, और फिर मैं जब गई तब मुझे मन में ऐसा लगा कि नहीं तो दर्शन तो ठीक से नहीं हुआ, चलिए एक बार फिर देख लेता हूँ, बट फिर भी कुछ रीजन की वजह से, चाहे वो कोई ईगो हो कि मैं फिर से जाऊँगा यहाँ पर जाकर, मतलब देख लिया बोल दिया, मतलब ऐसा कोई कुछ माइंड था, तो वहाँ पर जाकर मैं दर्शन उनका पूरी तरीके से एकदम देखा उनका ऑब्वियसली, और वो तो ब्लेसिंग्स देते, बट उनका दर्शन नहीं कर पाया, और वो चीज़ मुझे बहुत खटाक फील हुई, और मैं मतलब थोड़ी बहुत मुझे गिल्टी फील हुई कि क्या मैं गलत पथ पर हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या ये जो क्या इस्कॉन मतलब शिवजी या फिर कृष्ण में सच में कोई भेद नहीं है, सच में क्या कोई नहीं है। तो
टीचर्स मैंने सोचा, तो मैं उस टाइम फर्स्ट में माधुरी लेना नाम के एक चैनल है जो गौड़िया से ही है और उनके वीडियोस मैंने देखा और वो अचानक से जैसे आपको हेल्प करते हैं ऑब्वियसली, आप अगर सच्ची मन से अगर भक्ति करना चाहते हो, फिर भक्त नहीं हो भक्ति करना भी चाहते हो तो आपको हेल्प करेगा, फिर किसी मार्ग पे हो आपको हेल्प अवश्य मिलेगा। तो अचानक से उनके वीडियो आया और वो मुझे एक बाणी उनका मैं सुनने लगा कि साधु संत का ये बाणी है कि आप उनके शरण में पहले जाइए, गुरु के शरण में। गुरु कौन है? जगत गुरु कृष्णा। सबसे पहले आप आराध्य देव के शरण में जाइए और उनसे पूछिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो आपको हिंट देंगे। पहले हमें संप्रदाय नहीं चूज करना है, पहले हमें उसको गुरु चूज करना है, उनसे पूछना है, अपने अंतर मन से पूछना है, अपने हृदय में स्थित जो आत्मा है उनसे पूछना है, आत्मा स्वरूप जो कृष्ण है उनसे पूछना है। तो वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और वो मैंने पूछी तो क्या है क्या है। और अचानक से कुछ दिन बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे तुलसी माला धारण करना है और तुलसी माला जब मैंने धारण किया, अब बिलीव नहीं करूँगा, मैंने इस कौन से खरीदा, राधा नाम का ही तुलसी माला है, हर एक ब्रिज में राधे राधे लिखा हुआ है। तो उसके बाद मेरे लाइफ एकदम 360 में घूम गया। अब मेरे आसपास जो ब्रिज के भक्त जो है वो आने जाने लगा, मतलब उनके साथ मेरा कनेक्शन बनने लगा और गौरियास के साथ भी, जो एक्चुअली गौरियास से इसको छोड़कर उनके साथ भी मेरा कनेक्शन जोड़ने लगा। अब मैंने धीरे धीरे फिलोसफी को समझा, अब मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं है या फिर शिव जी ये जो है ये भिन्न नहीं है, ये मुझे पता चला। अब मेरा जो स्थिति है ना अभी भी, जो उस टाइम जो मैं जो था उस टाइम, अब मैं डिफरेंशिएट यहाँ पर क्या बता देता हूँ, भक्ति और एनवियसनेस में, जलसी में, पाखंड में क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम मैं कृष्ण राधा की ऑलवेज चिंतन करता था, ऑलवेज उनका उनके बारे में सुनने की कोशिश करता था, बट अदर के बारे में मैं क्यों नहीं सुनता था, क्योंकि मैं उस टाइम एनवियस था उनके सुप्रीम पोजिशन को लेकर। और आज उस श्री जी के इतनी आप परंपार कृपा है उनकी, उनकी कृपा से आज मैं कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में सुनता हूँ, क्योंकि मुझे सुनना पसंद होता है, इसलिए मैं किसी से एनवियस हूँ। आज की स्थिति में मेरा ऐसा स्थिति है, अगर कोई मुझे आकर यह प्रूव कर दे कि शिव जी का पोजिशन कृष्ण से हायर है या फिर शिव जी कृष्ण से इक्वल है, जो मुझे ऑब्वियसली लगता है कि वही सही है, और अगर कोई प्रूव कर दे कि शिव जी या फिर सारे देव देवी कृष्ण से ऊपर है और कृष्ण सबसे लोअर गॉड है, तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिव कृष्ण के सुप्रीम पोजिशन के बारे में हम उससे प्रेम नहीं करते, हम उनसे जो अट्रैक्ट नहीं होते, वो हमारे अपने हैं, अपने प्रभु हैं, अपने बच्चे हैं, वही माता वही पिता और वही सखा वही बंधु वही हमारा बच्चा। तो इसी सेंस से अपने प्रेम के लिए, जैसे अगर आपके घर में आसपास में अगर कोई कोई अगर आपके पिताजी कितने भी कम बजट में है या फिर कितने भी कम रैंक में कोई जॉब करते हैं और आपके आसपास में अगर कोई आपके कोई फ्रेंड्स के अगर फादर कोई हाई लेवल पर जॉब करते हैं, तो आपके फादर जो है ऑब्वियसली अदर्स की जो फादर होगी, मतलब आपके फ्रेंड्स की जो फादर जो बाप जो पिता होगी वो आपको सामान्य होगी, बट आप प्रेम करोगे अपने पिता से। तो वैसे ही कृष्णा जो है, कोई चाहे कुछ भी बोल दे, कितने भी सुप्रीम पावर को वेदास से प्रूव कर दे, हमारे लिए कृष्णा है, हमारे लिए श्यामा श्याम सबसे इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टनेस की वजह से नहीं है। ये होती भक्ति और इन्वेस्टनेस में अंतर। अब मैं यहाँ पर क्यों भी चीज़ यहाँ पर क्लियर किया, अमरेंद्र प्रभु जी यहाँ पर जो बता रहे कि एक शुद्ध भक्ति की लक्षण होती है, कि बिल्कुल ये मैं वहाँ पर क्लियर करके, बिल्कुल ये शुद्ध भक्ति की लक्षण होती है, बट मैं दो क्वेश्चन यहाँ पर करूँगा, क्या अभी तक इससे पहले जो भी भाष्यकार ने भाष्य लिखा, जैसे श्री विष्णु चक्रवर्ती जी और रामानुजा जो स्वयं लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी का बता रहे, रामानुज जो रामानुज श्री रामानुज जी जो है, और माधवा जो स्वयं पवन देव का बता रहे, और बल्लवाचार्य जी और हरिवंश और भी क्या होता है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रभु जी से, क्या वो शुद्ध भक्ति नहीं है? आप बाकी को छोड़ दीजिए, क्या रामानुजा जो लक्ष्मण है क्या वो उनसे ज़्यादा भक्ति कौन कर सकते हैं? वो तो वही श्री राम के ऑलवेज सेवा में रहते हैं, ऑलवेज श्री राम और सीता मैया के चिंतन में वो रहती है, तो क्या उन्हें सब जगह कृष्ण राम जी मतलब कृष्ण ही है, तो उनको क्या वो दर्शन नहीं होता? उन्हें भी तो वही दर्शन होता है, बट फिर भी उन्होंने जो ट्रांसलेशन सही रखा। अब ये बहुत ही छोटी एक जिज्ञासा थी, तो इसलिए मैं आपको ये कहा, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई ट्रांसलेशन चेंज करके वहाँ पर भक्ति कर देता है तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई ट्रांसलेशन चेंज करके वहाँ पर ज्ञान भी कर देता है तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे कृष्ण से मतलब है, श्रीमती राधारानी से मतलब है, और अगर उनके शरण में कोई जाता है तो उन्हें जो एक्चुअल रियलिटी है उसका ज्ञान हो ही जाएगा, इसका गारंटी लेता है कृष्ण, उनका कभी दुर्गति नहीं हो सकता। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, कृष्णा भक्ति कृष्णा और कृष्णा राधा कृष्ण के अलावा, कृष्ण भक्ति के अलावा, कृष्णा भक्ति के अलावा शुद्ध वैष्णव को कुछ नहीं देखता, बट ऐसा ही फीलिंग्स होता है, जैसे एक जैसे भजन आती है कि वो चीज़ मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी मैं पहले को बता देता हूँ कि फिर वहाँ पर जैसे शिवजी का वहाँ पर दिखाया गया कि शिवजी का क्रिटिसिज्म वहाँ पर हो रहा है, शिवजी को वहाँ पर पता चला कि कामार्थ होकर मिलित हो गए, तो ये कैसे दिख गया? उन्हें तो कृष्ण भक्ति या फिर कृष्ण भक्त के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो ये कैसे दिख गया? यहाँ पर मैं प्रभुपाल जी के अस्तित्व या फिर उनके ज्ञान के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन चिन्ह नहीं उठा रहा, जैसे आपने एक वीडियो बनाया तो उसके रिप्लाई में उसके जो आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको मैं, जैसे मेरे मन में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है वैलिड क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ पर आपसे ये आंसर चाहता हूँ, सभी समझ से भी इस कौन से मैं क्वेश्चन चाहता हूँ कि जिन्हें एक्चुअली यही लक्षण है सच में, वो ये सच बात बोली कि कृष्ण भक्ति का ये लक्षण होती है, वैष्णव की यही लक्षण होती है कि वो कृष्ण राधा कृष्ण के अलावा कुछ देखता ही नहीं, तो उन्हें शिव जी कैसे दिख गया, उन्हें शिव जी की कमी कैसे दिख गई कि वो कामार्थ हो गई, वो ऐसे हो गए वैसे हो गए, गीता में तो वो इंपॉर्टेंट नहीं था। और इसका मैंने प्रभु जी से पूछा, वो जो है व्यासपीठ में बैठे 20 साल तक, वो बहुत एक सीनियर प्रभु जी मुंबई से शायद, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक चीज़ दिखाने की कोशिश किया जा रहा था, जैसे वहाँ पर अगर बाद में देखेगा तो वहाँ पर हरिदास जी का भी उल्लेख आता है, तो वहाँ पर ये दिखाने मतलब हरिदास जी जो कामार्थ नहीं है शिव जी कामार्थ हो गए, तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो बोले कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की, फिर गीता में यह बताने की कोशिश किया गया यहाँ पर कि वहाँ पर शिव जी को ऐसे भक्त की मतलब एक देवता की कैटेगरी में रखा गया और उनको भक्त की। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि हरिदास जी जो ललिता सखी का बता रहे जो राधारानी साहब हैं, तो वो तो ऑब्वियसली परम भक्त है और शिवजी भी तो परम वैष्णव है, वैष्णव जन के अकॉर्डिंग वो भी तो भगवान के इतने प्रिय है, तो आप किसी जो नॉर्मल जो साधु संत है आप उनको वहाँ पर रख सकते थे, क्योंकि हमारे नॉर्मल जो साधु संत होते थे उनके मन में पहले जो है काम वसनाएं रहती है, तो वो उनके आप वहाँ पर रख सकते थे, बट आपको शिवजी से कैसे ये चीज़ हो गया? तो ये चीज़ गलत हो गया ना, शिवजी को डिफेंड वहाँ पर किया जा रहा है। तो जो कृष्ण भक्ति में जैसे मुझे द्वैत अद्वैत या फिर एक भक्त को जो भक्ति में इंटरेस्ट रहते हैं उन्हें द्वैत अद्वैत ईश्वर साकार है निराकार है अद्वैत सही है कि द्वैत सही है, शिवजी कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ईश्वर के कितने रूप है, यहाँ तक कि उन्हें वासुदेव श्री कृष्ण जो कृष्ण के जो ब्रजेंद्र कृष्ण के जो भक्तों के जो एक्चुअल जो रसिक जो भक्तों के जो एक्चुअल जो विधि भक्ति के जो पार जाएंगे उन्हें इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सब जगह श्यामा श्याम के दर्शन करेंगे, सब जगह
सब जगह शाम शाम के दर्शन होगी, ये होती है भक्ति। भक्ति में आप एक और से कह रहे हो कि आपको कृष्ण के अलावा कोई दर्शन नहीं होगा, कृष्ण भक्ति के अलावा कोई दर्शन नहीं होगा, कृष्ण भक्ति के अलावा कोई दर्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर कैसे वहाँ पर मायावाद के दर्शन हो जा रहा है वहाँ पर अगर आप इसमें गीता पढ़ोगे। ये सच में मैंने पहले नोटिस नहीं किया क्योंकि श्री जी का ऑब्वियसली कृपा होगा, क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, क्योंकि मैं कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था मैं जब भी मैं इसके साथ कनेक्टेड था उस टाइम भी, क्योंकि मुझे पता था कि कृष्ण की ज्ञान जो है वो उस श्लोकों में है, तो कमेंट्स तो लोग अपने भाव के अकॉर्डिंग लिखते, बट मुझे वो याद भी नहीं था, तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। अदरवाइज मैं उस अदरवाइज में मायावाद क्या है ये नहीं जानता था, मुझे तो बाद में पता चला कि कौन सी चीज़ को मायावाद कहते हैं। तो वहाँ पर मायावाद, अगर सच में वो जिस बात को मायावाद कह रही है, अगर वो मायावाद भी है तो उन्हें कैसे दिख गया? उन्हें तो सब में कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, सिर्फ कृष्ण दिखना चाहिए, तो कैसे वहाँ पर गीता ने ऐसे क्रिटिसिज्म किया गया अदरवाइज अदर जो पीपल्स अदर जो मत की है उनको, चाहे वो मायावादी हो, मैं मानता हूँ ठीक है मैं मान लेता हूँ कि वो मायावादी है, बट मायावादी को भी कैसे वहाँ पर दिख गया? वो मायावादी अगर आप कुछ कह रहे हो तो वो तो नेगेटिविटी को आप सपोर्ट मतलब वहाँ पर दिखा रहे हो, तो नेगेटिविटी वहाँ पर कैसे दिख गया? जो पर कृष्ण दिखेंगे मुझे तो कोई नेगेटिविटी नहीं दिखता। मैं तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि मैं अद्वैत सभी संप्रदाय से, चाहे मैं कुछ एक पर्सनल कुछ एक रिलीज करूँ, मुझे सभी से सेम परिमाण में उनका सम्मान करता हूँ, उनको मानता हूँ, सभी को, सभी अपने अपने जगह सही है ये मैं मानता हूँ, तो वहाँ पर कैसे कोई ये कर सकता है? और एक चीज़ का मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ, तो इसका रिप्लाई आप दीजिए कि जैसे अगर एक कृष्ण भक्त को अगर कृष्ण भक्ति या फिर कृष्ण भक्त के अलावा कुछ नहीं दिखता, उन्हें कैसे मायावाद वहाँ पर दर्शन हो गया, मायावाद को वहाँ पर क्रिटिसिज्म किया गया, कैसे वहाँ पर शिवजी के जो चीज़ सच में रिलेटेड नहीं है वो वहाँ पर दिख गया? शिव जी कमर्थ हो गए, पार्वती मैया अच्छी चीज़ पार्वती मैया कमर्थ हो गए, ये सब चीज़ें उन्हें कैसे दिख गया? और वो सिर्फ ने एक श्लोक दिखाया, और वो भी वैसे क्योंकि एक फ्रेंड मुझसे कह रहे थे, और वो फ्रेंड मेरे संगत में हो, वो वृंदावन के भी ब्रज की कथा भी सुनती है, बट ये चीज़ उनके मन में ऐसे एफर्ट करती है ना, क्योंकि जो व्यक्ति जिन्हें पता नहीं है गीता की, जो पहले रामायण महाभारत नहीं देखी है, फिर नहीं पढ़ी है, तो वो जो इस चीज़ को जो मतलब चार बोतल भोत का काम मेरा रोज का ये सब कल्चर से जो आई है, जिन्हें बिल्कुल भी नॉन डिबेटिस कल्चर से जो आई है, वो इस चीज़ को जब भी वो पहली बार जो गीता पढ़ेगा ना उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेगा, वहाँ पर कमेंटर्स को भी वो समझेगा कि ये जो चीज़ है कृष्ण ने बताई है, ऐसा होता है एक सर्वे के दौरान, मैं बता रहा हूँ, ये सर्वे को ही बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं, अपने लोकलिटी में किया गया है, मैं खुद बता रहा हूँ ये चीज़ होता है। तो वो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो हो रहा है, शिवजी भी वो मुझसे ये डिस्कस करते मेरे फ्रेंड, हालांकि मैं उनको बार बार कहता हूँ कि देखिए किसी में भेद नहीं करना चाहिए, सिर्फ शाम शाम की चिंतन पर बस वही सब देख, और वो बार बार कह रहे थे कि नहीं नहीं शिवजी को तो मतलब शिवजी को तू बता, मतलब वो मुझे कह रहे थे कि तू बता ना, मतलब हम तो नॉर्मल जी शिवजी भी माया में आकर्षित हो जाते हैं, वे चीज़ कितनी डीपली इंपैक्ट कर सकते लोगों के ऊपर, और ये चीज़ से दोनों टाइप्स का नेगेटिव चीज़ आ सकती है, या तो वो शिवजी के प्रति अपराध कर रहे हैं ये सारी भूल भ्रांति धारणाएं लेकर, या तो वो इस्कॉन से द्वेष कर रहे हैं, जो हो रहा है आप पता होगा कि इस्कॉन ही इस्कॉन के लिए दाई है, ये जो द्वेष हो रहा है ना इसके लिए इस्कॉन दाई है, इसके लिए 100% दाई है, और कोई इसके लिए जिम्मेदारी नहीं है। तो इस चीज़ का मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और सॉरीज भाई का मैंने जो एक बुरखे वाला मोहल्ला नाम के एक चैनल है जिनको उन्होंने एक्सपोज किया था, तो उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, उसके कमेंट्स में मतलब कमेंट्स नहीं मतलब कमेंट सेक्शन में मैं कहा था कि आप जो है आप मेरी बात मत सुनिए और आप किसी की बात मत सुनिए, आप पहले उनके शरण में जाइए, जो संत साधु के उपदेश है वो आप मानिए, ये सारे संत साधु के जो रिलेस सोल है उनके उपदेश है कि आप उनको गुरु बनाइए पहले, वो आपको रिलेज कराए गए, वो आपके हिंट देंगे, आपकी कोई दुर्गति फिर नहीं हो सकती, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया उनकी कृपा कितना कृपा है। तो ये जब मैंने बोला उनको और भी कुछ बात मैं वापस बताई, तो उन्होंने बोला कि ऐसे प्लीज़ हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए, मतलब इस्कॉन जो शिला चैतन्य महाप्रभु जी के क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के निर्देश मतलब उनके विचारों पर प्रतिष्ठित है, तो आइए देखते हैं कि सच में इस्कॉन जो है चैतन्य महाप्रभु जी का प्रतिष्ठित है, यहाँ पर मैं किसी एक्सपोज नहीं कर रहा, तो आप इसका रिप्लाई दीजिए क्या क्या है, मैं यहाँ पर एक आपको एक यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर तो मैं ज़्यादा पर वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा, ऑलरेडी हो गया लॉन्ग, बट फिर भी यहाँ पर आप ये स्क्रीन शॉट देखिए, ये उद्धव गीता से, उद्धव गीता इस्कॉन में मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी गलत जगह से लिया गया है, ये उद्धव गीता में, और उद्धव गीता में ये जो कमेंट्री सेक्शन आप देखिए, कमेंट्री सेक्शन शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा लिखित है, कमेंट्री जो है और परपोर्ट जो है वो शिला प्रभुपाद जी के गुरुदेव द्वारा, आप अगर कमेंट्री सेक्शन चेक करोगे 36 नंबर श्लोक और 37 नंबर श्लोक, चैप्टर कौन सी है, उद्धव गीता चैप्टर 22 ज्ञान योग, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक्चुअल जो रिलेट है, यहाँ पर ध्यान से चेक कीजिए, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो वो अटैच कर देता हूँ, यहाँ पर जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉन ड्यूअल जो है मतलब जो ड्यूअलिटी का जो फिलोसोफर जो ड्यूअलिटी को जो बता रहे वो जो है वो वास्तविक ज्ञान को वो प्राप्त नहीं हुआ, फिर एब्सोल्यूट जो ट्रूथ है वो नहीं जाने हैं। तो यहाँ पर मैं ये प्रूव नहीं करने की कोशिश कर रहा कि अद्वैतवाद सही है या फिर अचिंत्य भेदभेद गलत है या फिर ऐसे है वैसे नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने जैसे बोला या फिर सभी इस्कॉन से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने जैसे बोला कि आप जैसे बोलते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन पर इस्कॉन प्रतिष्ठित है, तो चैतन्य महाप्रभु जी के टाइम के निजी पार्षद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जो मुख्य आचार्य है गौरियास के, जिनका टीका यहाँ पर विख्यात है, तो इनका ये टीका जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि नॉन ड्यूअल जो है वो रियलिटी है। अब मतलब अगर आप कहते हो, मैं यहाँ पर नॉन डॉल के प्रमोट नहीं कर रहा, गलत मत सोचिएगा, अगर आप कह रहे हो कि नहीं अचिंत्य भेदभेद आपकी तत्व है मतलब चैतन्य महाप्रभु जी के बाणी पर आप आधारित हो, तो चैतन्य महाप्रभु जी को पहले मतलब ज्यादा कौन जानेगा, जो मुख्य आचार्य है गौरिया के या फिर जो अभी आए हैं वो? ऐसा नहीं कि अभी जो आए वो नहीं जान सकता, पहले जो आए यही जानेंगे ऐसा नहीं है, बट पहले जो आएंगे वो ऑब्वियसली जिन्होंने सृष्टि की है गौरी वैष्णव की, जिन्होंने प्रतिपादन किया ये जो मत है वो, तो ऑब्वियसली मुख्य आचार्य तो वो तो प्रायोरिटी होगा ही ना, तो ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी है। और एक चीज़ बहुत सारे लोग जो अज्ञान में इस चीज़ का खंडन कर सकते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ इनको ही मानता हूँ, ये मतलब ये मैं उनके ऊपर कोई एनवियस नहीं हूँ, उनके ऊपर भी मुझे दुख होता है कि ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, जिनसे गौरी वैष्णव का स्थायित्व है जिनसे उनका अस्तित्व है उन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी को नहीं ये किया जा सकता। और मैं यहाँ पर एक जो और चीज़ यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच कर दे रहा हूँ, ये भागवतम की, अगर कोई बोलते हो कि इनका कमेंट नहीं पढ़ना चाहिए वो तो मतलब कोई मूर्ख ही कहेगा, ये मैं कह रहा हूँ कोई मूर्ख ही कहेगा कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए, कि वो बहुत ही बड़ा मूर्ख है और ऐसा मूर्ख नहीं हो सकता, मुझे आशा है कि कोई ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी जैसे कलयुग है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, श्री प्रभुपाद जी के भागवतम के
कैंटो वन के स्कंध एक नंबर स्कंध के एक नंबर चैप्टर के एक नंबर श्लोक से कमेंट करके चेक कीजिए। वापस श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वो बता रहे कि जो मेरे सीरियस स्टूडेंट है बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखिएगा श्लोक प्रभुपाद। यहाँ पर मैं श्लोक प्रभुपाद की निंदा नहीं कर रहा, अगर मैं निंदा कर रहा होता तो यहाँ पर मैं नहीं देता। मैं यहाँ पर वेरी न्यूट्रल आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जैसे आपने वीडियो में बताया उस हिसाब से। तो यहाँ पर श्लोक प्रभुपाद जी कह रहे हैं ध्यान से देखिए कि मेरी जो वेरी सीरियस स्टूडेंट है वो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती जी और भी जो प्रमुख जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जी के टाइम पर जो आचार्य हुए थे जैसे जो सिक्स गोस्वामी से सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी ये जो गोस्वामी से या फिर इवन वल्लभाचार्य जो अलग संप्रदाय से वल्लभाचार्य के नाम यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है और भी कुछ यहाँ पर नाम है तो इनकी भाष्य जरूर पढ़ेंगे बेटर इस तत्व को जानने के लिए। जो मेरे सीरियस स्टूडेंट यहाँ पर अब देखेगा तो यहाँ पर ये क्यों कहा गया है मेरी जो मत थी इस बारे में यहाँ पर किसी की भी हो सकता है कि दोनों पक्ष को ही जो इसको पसंद नहीं करते जो इसको पसंद करते उन दोनों पक्ष को ही इससे आपत्ति हो। बट जैसे मैं किसी का पर्सनली दोष नहीं देखता तो मुझे पर्सनली ऐसा हो सकता है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जैसे ब्रिटिश जो कल्चर्स होते हैं जो अब्राहमिक जो होती है उन्होंने क्या होता है ना वो एक को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं वो दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे इस्लाम का प्रचार क्रिश्चियनिटी का प्रचार इतना ज्यादा क्यों है बाहर में आप खुद को क्वेश्चन कीजिए ना क्योंकि वो किसी एक को ही मानेगा वो दूसरे को नहीं मानेगा वो दूसरों को मान ही नहीं सकता। तो इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि श्रीला प्रभुपाद जी ने विदेश की मिट्टी से क्योंकि उन्होंने जो है इंडिया से स्टार्ट करने की कोशिश की थी बट इंडिया ने उस टाइम उनको कोई भी तौर पर सपोर्ट नहीं उन्हें ज्यादा मिला। गीता प्रेस ने थोड़ी उनको सपोर्ट किया था ऑब्वियसली उनके हेल्प उनके अकॉर्डिंग उन्हें जितना भी उनसे हो पाया बाकी कोई भी लोग उन्हें नकार देता तो फिर उन्होंने जो है बोस्टन में गया और वहाँ पर बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क में फर्स्ट टेंपल खोला। तो बोला जाता है कि ऐसे हो सकता है कि जैसे कोई अगर अल्लाह को माने या फिर जीसस को माने उससे अच्छा है कि हमें कोई एक को तो माने वो कृष्ण को माने जैसे हम विष्णु तो कृष्ण को प्रमोट करेंगे तो कृष्ण को भी माने इस हिसाब से वहाँ पर लिखा जा सकता है ये स्थिति क्रिएट किया जा सकता है कि सनातन धर्म को प्योर तरीके से ना जान पाए बट फिर भी एक हिस्सा जान पाए ताकि उनका कल्याण हो जाएगा क्योंकि कृष्णा की पत्नी जो आता है वो कल्याण उनका धीरे धीरे हो जाएगा आज नहीं तो कल इसी जन्म में नहीं तो बाद में जन्म में बट हो जाएगा कल्याण। तो इसी सिचुएशन से हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं ध्यान से देखिए कि मेरी जो सीरियस छात्र होगी वो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के कमेंट्रीज जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी गोपाल भट्ट जो भी सर गोस्वामी जो है उनके जो कमेंट्रीज है इवन वल्लभाचार्य जो अलग संप्रदाय से उनके भाषा से पड़ेगा ताकि वो ज्यादा अच्छे से समझ पाए सत्य को। तो ये वो क्यों कहे ये मुझे बताइए। और यहाँ पर बताने की मेरा तात्पर्य यही था कि अद्वैतवाद यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है अद्वैतवाद की नहीं वो मुझे नहीं पता बट यहाँ पर नॉन डुअल तो तत्व है वो एक माना जा रहा है और आपको पता नहीं होगा गौरी वैष्णव अभी भी ऐसे ऐसे गौरी वैष्णव है ट्रेडिशनल जो होती है जो एक्चुअल जो होती है जो प्योर धर्म के नियम को फॉलो करते वो अभी भी यही मानते हैं कि प्रेम गली अति साकरी यहाँ दूजा ना समाया मतलब प्रेम गली में दो नहीं हो सकते केवल एक या तो मैं या तो मेरा प्रभु। यहाँ पर मैं उनकी बानी दे रहा हूँ क्योंकि गौरी वैष्णव की ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसको अगर वाकई में अगर प्रमोट कर रहे अगर अचिंत्य फेरवाद को फॉलो करते हैं फिर चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन को फॉलो करते हैं तो उनके वाणी जो है वो प्रीवियस मुख्य आचार्य से क्यों नहीं मिलता सिक्स गोस्वामी से क्यों नहीं मिलता क्यों अदर गौरिया से क्यों नहीं मिलता ये मैं उनसे उनके ऊपर ये क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ ये क्वेश्चन का मुझे जो आंसर चाहिए ताकि और लाखों लोगों को इसका आंसर चाहिए ताकि उन्हें भी क्लैरिफिकेशन मिले अगर आप सच प्रमाण कर पाए तो आपका ही तो अच्छा है ना आपके संप्रदाय में और भी लोग जुड़ेंगे और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और आप कहोगे कि नहीं भाई आप भी माया में पड़ गए मतलब एक तो फिर करो नहीं मैं अपने रिलेशन की बात नहीं कर रहा ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि गौरिया संस्था में भी तो यही बताया गया है गौरी वैष्णव में गौरी वैष्णव के मुख्य आचार्य बता रहे हैं और गौरी वैष्णव के अभी भी जो बहुत सारे आचार्य से जो ये कह रहे हैं एक माताजी भी एक फेमस माताजी मैं उनको नाम ले लूँगा वो भी ये कह रहे हैं जो मैंने अभी आपको स्टेटस सुनाया। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अद्वैत जो बाद है वहाँ पर दास्यता जो कहा जाता है कि हम तो अभी भी खुद को दास ही समझते है ना तो हम अद्वैतवादी नहीं है ना ही हम द्वैतवादी है हम भगवान के और भगवान हमारे भगवान से सभी जो अभिन्न है ये वहाँ पर प्रतिपादन किया जा रहा है गौरी वैष्णव की मुख्य आचार्य के कमेंट्री में तो इसका मुझे आंसर चाहिए आशा करता हूँ कि आप आंसर दे पाओगे। और जो एक चीज़ है लास्ट में मैं यही चीज़ बोलकर समाप्त करना चाहूँगा कि इस वीडियो में अगर कोई भी पक्ष का कोई भी व्यक्ति का चाहे वो उम्र में मुझसे बड़े हो चाहे छोटे हो चाहे ज्ञान में मुझसे बड़े हो चाहे छोटे ऑब्वियसली सभी मुझसे ज्ञान में बड़े होंगे क्योंकि मैं उतना खुद को नहीं समझता मैं जस्ट जो सीखा वो मैं आपके साथ जो लोगों का जो प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ शेयर किया ताकि मुझे आंसर मिले क्योंकि हर चीज़ को मतलब ऐसे अवॉइड करना सही नहीं ना गलत कोई हो रहा है तो अवॉइड कर बट अदरवाइज अगर कोई जेंटली क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन से सभी को इसको बड़े बड़े प्रभुजी को भी आंसर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सभी से एक ही क्वेश्चन एक ही बात बोलूंगा सभी से जो भी मेरा वीडियो देख रहा है मैं सबसे ये कहूंगा कि मैं आपको मना नहीं करा कि आप इसको से मत जुड़िए मैं आपको मना नहीं करो कि आप इस संस्था से जुड़िए इस मतबाद को मानिए मेरे सभी के प्रति समान सम्मान है समान आदर है बट मैं ये कह रहा हूँ ये सब मेरी बात नहीं है आप मानिए सेल्फ रिलाइज पर्सन और सभी संत महात्मा की चाहे कोई भी संप्रदाय हो सभी भक्तों की जो सच में जो भक्त है उनकी यही मान्यता है कि सबसे पहले उनको गुरु मानो जो कृष्ण के भक्त है वो कृष्ण के शरण में जाओ जो राम जी के भक्त है वो राम सीता मैया के शरण में जाओ जो शिव जी के भक्त है वो शिव देवी पार्वती के शरण में जाओ क्योंकि वो जगत गुरु है कृष्ण मंदिर जगत गुरु और व्यासदेव जी खुद उनका स्तुति करके कह रहे हैं कि जिन्हें वेद का ज्ञान नहीं जिन्हें जिन्हें कोई गुण नहीं जिन्हें सारे जगत पापी समझकर उनको त्याग कर दे एक दो नहीं सारे जगत उनको भी जिन शरणागत भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने से मुक्ति प्राप्त हो जाते संत साधु बनकर ऐसे नहीं संत साधु बनकर उस कमलनायन यदुनाथ भगवान अमल आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप श्री जी से प्रे करें जो कृष्ण का डिवोटी है आप श्री जी से प्रे करें कि श्री जी मेरी बहुत ही भोली है वो आपके अंदर कोई दोष नहीं देखेगा चाहे आपने अभी तक शिव जी को क्रिटिसाइज किया या फिर कोई भी गलत सलत चीज़ें आप कह दी तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वो आपको क्षमा कर देंगे अगर आप गलत पद में है वो आपको रिलीज करा सकते हैं आपको खुद का दिमाग नहीं है कि आप रिलीज करो और कलयुग है ये हम नहीं जानते कि कौन सत्य है कौन मिथ्या है मैं यहाँ पर इसको कुछ नहीं बोला आप बहुत अच्छे से मेरी बात को समझिएगा आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके शरण में जाइए और उनसे प्रे कीजिए कि हे किशोरी जू हे श्री श्याम सुंदर हे काना क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ मुझे ज्ञान की मैं कितने जन्म तक मेरी चित्त जो है वो अशुद्ध हो चुका है मुझे ज्ञान नहीं है मैं रियलाइज नहीं हूँ तो मुझे प्लीज़ कृपा करिए मैं आपके नाम कभी ना भूलूँ सोते जगते हंसते खेलते ऑलवेज मुझे आपका चिंतन होते रहे और मेरे लाइफ में आप वो करें जो आपको पसंद है चाहे उससे मुझे तकलीफ हो बट आपको जो पसंद है आप वो करें मेरे लाइफ का हर एक डिसीजन आप लें अगर आप ये प्रे करोगे तो आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता कभी नहीं आप बिलीव कीजिए मेरा उनके कृपा जो एक्सपीरियंस किया है उनका कभी मतलब मैं
तो मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो अंत से पहले कि किसी को भी अगर मेरे बात से अगर हर्ट हुआ है तो वेरी वेरी सॉरी, हर्ट करने की मेरी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी। और मैं यही कहना चाहूँगा जो मैंने बार बार बताया कि कृष्णा और श्री जी के शरण में जाइए, जो भी आपका आराध्य देवी देवी है उनके शरण में जाइए। और मेरे श्री जी से, मेरे किशोरी जो श्यामा जो इतनी प्रिय, इतनी भोली है, पता है वो क्वालिटी भी नहीं दिखती, कृष्णा तो थोड़ा बहुत टेढ़ा है, वो कभी कभार योग्यता मैटर उनके पास कर लेते हैं अपने भले के लिए। जैसे घर के जो पिता होते हैं ना वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है हमारे भले के लिए, बट माताएं जो होती है ना वो कभी अगर हमें डांट लगाए कोई तो माताएं हमें अचल के तले ऐसे छुपा लेती है। वैसे ही हमारे श्री जी जो है ना वो परम करुणामयी है, उन्हें उनके नाम अगर आप एक बार पुकारे होगा तो आपको इतनी कृपा मिलेगी आप सोच नहीं सकते, बट उस इंटेंस के साथ हमें पुकारना पड़ेगा, इसीलिए इतनी बार उनका नाम जो है पुकारा जाता है। तो आप उनसे प्रे करो ये बोलकर कि प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी सुधी लो हमारे वृष भानु दुलारी, तुम ही मोहे भूलो नहीं भानु दुलारी, मैं भी तो है भूलू नहीं भूले है सारी, मोहे निज दासी 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 करो प्यारी, मोहे निज दासी 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 करो प्यारी, महल टहल बना लो मोरी प्यारी, प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने बारी। सभी अच्छे रहिए, खुश रहिए, उनसे प्रे कीजिए।